हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम से, और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम से। और मैं आज आपको अपनी वीडियो में दिखाने जा रही हूँ रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में है। ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है रॉक गार्डन का, और मैं आज आप सभी के साथ रॉक गार्डन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी वीडियो शेयर करूँगी। सो जो फर्स्ट टाइम अभी विज़िट करेंगे तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने सारा जो है वो डिटेल में दिखाया हुआ है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में वहाँ पे अंदर जाते हैं तो इतना पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई गाइड भी नहीं है जो आपको गाइडेंस दे दे कि आपने जाना कहाँ कहाँ है। तो बस जहाँ पे लोग चले हुए होते हैं सारे उसी की डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक्चुअली हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आई होप कि आप सभी के लिए मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो फर्स्ट टाइम जाएंगे वहाँ पे। और वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, सो एंजॉय द वीडियो। और मैं स्टार्टिंग में ही आप सभी के साथ एक बात क्लियर कर दूं कि जब आप गूगल मैप पे रॉक गार्डन डालोगे तो वो रॉक गार्डन की, ये ऐसा नहीं होगा कि वो उसके गेट की लोकेशन उठाएगा, वो उसके आसपास के मतलब विद इन 100, 200, 500 मीटर्स की एरिया की लोकेशन उठाएगा। सो जैसे ही आपको गूगल मैप शो करता है कि 3 से 4 मिनट रह गए हैं रॉक गार्डन पहुँचने में, तो आप गूगल मैप को उसी टाइम छोड़ दें और लोकल्स की हेल्प ले सकते हो ताकि आप एग्जैक्ट राइट पोजीशन पे पहुंच जाएं। बिकॉज सेम इंसिडेंट्स जो था वो मेरे साथ भी हुआ। गूगल मैप की वजह से मैं रॉक गार्डन के थोड़ी सी आगे पहुंच गई थी, तो फिर लोगों से पूछ पूछ के मैं भी फाइनली इसके मेन गेट तक पहुँची। जो भी फर्स्ट टाइम जाएगा उनके लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जैसे ही वो उसके आसपास पहुँचें तो लोगों से पूछ लें। और बातों ही बातों में हम लोग रॉक गार्डन के फर्स्ट वाटरफॉल पे पहुँच चुके हैं, और व्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे आप लोग अपना स्केच भी बनवा सकते हो। ये जो आपको सरदार जी दिख रहे हैं ये यही काम करते हैं स्केच वगैरह बनाने का, तो आप यहाँ पे अपना स्केच भी बना सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी चलने के बाद वाटरफॉल आया था, पर काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे, और वहाँ का व्यू जो था वो भी बहुत सुंदर था। और इसके बाद हम लोग आगे के लिए निकल गए। और यहाँ पे भी जैसा गांव के पुराने घर होते थे वैसे दिखाए हुए हैं, क्योंकि जो नए या जो शहरों में रहते हैं उनको इन सब चीज़ों का आई डोंट थिंक कि उनको इतना नॉलेज होता होगा। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा वो दिखाया हुआ है, छोटे छोटे घर जो मोस्टली गांव में होते थे या अब भी बहुत सारे गांव में ऐसे ही घर होते हैं। एज़ पर माई एक्सपीरियंस आप सभी के साथ मैं एक बात शेयर कर दूँ कि यहाँ पर संडे को बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक तो आपको टिकट वगैरह लेने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और दूसरा आपको गाड़ी पार्क करने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा। सो इट इज़ बेटर कि आप कोई और दिन प्लान कर सकते हो यहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ की टिकट का भी रेट मैं आप सभी को बता दूँ कि टिकट का रेट जो है वो जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। आप अभी भी मेरी वीडियो में देख सकते हो कि कितना रश है यहाँ पे।
आप सभी के मन में ये पक्का आ रहा होगा कि मैं रॉक गार्डन के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रही हूँ। वहाँ पे जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, मैं बस वही बोले जा रही हूँ। तो रॉक गार्डन का जो भी आपको जानना है, बड़ा इजीली आप गूगल पे जाओ, रॉक गार्डन चंडीगढ़ सर्च करो, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी कि किसने बनाया था, यहाँ पे किस चीज़ का काम हुआ है, या यहाँ पे किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ है इसको बनाने में, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ जो जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं यहाँ पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सभी जो हैं वो पहले ही, मतलब आपको पहले ही पता चल जाए और आपको वो प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे, आप अपना अच्छे से इंजॉय कर पाओ वहाँ पे जाके। और थोड़ी सी आगे ना आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसके ऊपर लिख रखा है, एक तरफ डॉल म्यूज़ियम और एक तरफ एग्ज़िट का। तो अभी मैंने जो आपको फर्स्ट वाटरफॉल दिखाया, तो कई बार कई जिनको नहीं पता है वो लोग सोचते हैं कि फ़र्स्ट वाटरफॉल जो है वो वही वाटरफॉल है और उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, या यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो सिर्फ डॉल का म्यूज़ियम ही है। तो ऐसा नहीं है, आपको दूसरे वाली साइड भी जाना है, क्योंकि जो मेन वाटरफॉल है वो वहीं पे है, उसी साइड पड़ता है। और जो डॉल म्यूज़ियम है वो भी काफ़ी सुंदर है, उसमें सारा राजस्थानी कल्चर दिखाया हुआ है जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो आपने जो है ये फर्स्ट वाटरफॉल घूम के एग्ज़िट की तरफ नहीं जाना है, आपने डॉल म्यूज़ियम की तरफ जाना है। मैं आगे आपको बोर्ड दिखाऊंगी वो, जहाँ से आपने डॉल म्यूज़ियम की तरफ जाना है, ना कि एग्ज़िट की तरफ, क्योंकि अभी जो ये है, अभी ये रॉक गार्डन ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, अभी वो जगह आ चुकी है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रही थी। तो अभी हमें एग्ज़िट की तरफ नहीं जाना है, हमें डॉल म्यूज़ियम की तरफ जाना है, क्योंकि मैं भी पहले एग्ज़िट की ही तरफ जाने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे इतना चलना पड़ता है, थक हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि अभी वापस चलते हैं, एग्ज़िट लेते हैं, डॉल म्यूज़ियम है तो उसमें कुछ नहीं होगा, डॉल्स ही रखी होंगी, ये मैंने खुद ही अपने मन से सोच लिया था। बट वहाँ का तो व्यू इससे भी ज़्यादा सुंदर था, और वही आई थिंक मुझे लगता है मेन जगह थी रॉक गार्डन की। यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ी सी आगे जब आप चलोगे तो आपको सेकेंड वाटरफॉल दिखेगा, और वो भी बहुत ही सुंदर है देखने में।
और सच में सेकंड वाटरफॉल का जो व्यू था वो फर्स्ट वाले से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और इसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकल पड़े और आगे जो है आगे डॉल म्यूज़ियम है, काफ़ी और भी जगह है वहाँ पे देखने के लिए जो कि आपको वीडियो में सारी दिख जाएगी। और डॉल म्यूज़ियम में जो है वो राजस्थानी कल्चर दिखाया हुआ है, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंजॉय करें आप मेरी वीडियो को। एंड आई होप कि मैंने जो भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जब भी आप या अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो आप सभी इंजॉय कीजिए और मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इंजॉय द वीडियो। Thank you.